फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो करंट अफेयर से संबंधित हैं और इस करंट अफेयर में आज का वीडियो क्रिकेट से संबंधित हैं और क्रिकेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्न के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो आपके और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। इसका सही आंसर है इंग्लैंड को। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो 155 ग्राम से लेकर 168 ग्राम के बीच में रहता है, या 168 ग्राम रहता है। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? तो 20.79 सेमी से लेकर 22.8 सेंटीमीटर तक रहता है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत ऊंचाई कितनी होती है? तो 38 इंच होता है, राइट आंसर है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी भी ऊंचाई 28 इंच है और क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत ऊंचाई 38 इंच है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। आपको नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर यानी 12 मीटर होती है। जो अगला प्रश्न है, वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है, जो कि बहुत इजी प्रश्न है और यह प्रश्न आपको पता भी है। अगला जो प्रश्न है, भारत द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता किस वर्ष बना था? तो 2011 ईस्वी में बना था। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शाहजहां किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात में है। इसका सही आंसर है, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो जो बीमर शब्द हैं, इस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के लिए यूज होता है, या कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इस शब्द का जो यह पॉइंट है, सिली पॉइंट्स क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी क्रिकेट में यूज होता है। टू कलश किसकी आत्मकथा है? तो एडम गिलक्रिस्ट की बायोग्राफी है, आत्मकथा है। शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है, शेन वॉर्न के द्वारा लिखी गई है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो यह जो है, डोनाल्ड ब्रैडमैन जो क्रिकेट से संबंधित हैं, यानी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। रोनाल्ड पेरी की किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण दिया गया है? तो यह ब्रैडमैन वेस्ट में सही उत्तर है। मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो मिताली राज जो हैं, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह जो खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो पहले से ही प्रसिद्ध हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो यह जो स्टेडियम है, श्रीलंका में है, कोलंबो में। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह जो संबंध है, यानी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट को ईरानी ट्रॉफी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो खेल हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं, इस नाम से भी हम जानते हैं। बेसन एंड हेडेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो खेल हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है, दुबई में है। इसके अलावा पॉली उमरीगढ़ किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एजेज कप संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो यह सही नाम है, मतलब सही आंसर है, सचिन तेंदुलकर। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित हैं? तो यह क्रिकेट से संबंधित हैं। कोलिन काउड्रे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो यह खिलाड़ी थे इंग्लैंड के। भारत के प्रथम टेस्ट
क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सी के नायडू प्रथम कप्तान बने थे टेस्ट क्रिकेट के, जो भारत के थे। भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो अंजलि राय सही आंसर हैं। भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? तो लाला अमरनाथ हैं जो प्रथम सेंचुरियन हैं, जो टेस्ट में प्रथम बार सेंचुरी लगाए थे। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट एम्पायर चर्चित हैं? तो डिकी बर्ड। सौरभ गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो देशाशीष दत्त हैं जो इस सौरभ गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों 576 की साझेदारी किस के बीच हुई थी? तसनत जयसूर्या और रोशन महानामा के मध्य श्रीलंका में हुई थी। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई किस खेल का प्रसिद्ध मैदान है? यह जो मैदान है क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैन क्रिकेट में दोनों टीमों के 10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित हैं? तो इसके लिए जो समय निर्धारित हैं 45 मिनट हैं। रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो यह जो खिलाड़ी हैं रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, यानी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन है पत्रिका जिसको क्रिकेट का वाइडन कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ICC पुरस्कार है जो क्रिकेट के ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अंतिम जो हमारा सवाल है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना था? तो इसका सही आंसर है 1983 ईस्वी में बना था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह के अपडेट और नए वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।